आओ करें और सीखें, ये जो वर्कबुक है इसमें पर्यायवाची के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। बोलिए पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो उस शब्द का एक और समानार्थी शब्द होता है, एक दूसरा शब्द होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी को भू कहते हैं, आकाश को गगन बोलते हैं, पानी को जल भी बोलते हैं। ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे ये क्या है? पुस्तक। पुस्तक। इसका दूसरा शब्द क्या हो सकता है? किताब। किताब। हाँ। तो पुस्तक और किताब ये दो शब्द पर्यायवाची हैं। आ गया समझ में? समझ गए कि नहीं? जी। ठीक। अग्नि का पर्यायवाची बताइए। अग्नि। आग। अग्नि का आग। अब यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ ब्रैकेट में है ना ये शब्द, अंबर, सूरज, ये धरती लिखा है, निशा, नरेश, कुसुम, गगन, पुष्प, भू, प्रजनी, भू दिनकर लिखा है ना। और यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, इसके सामने ये दो लाइन है, तो आपको इसमें से पर्यायवाची ढूंढ करके इसका लिखना है। नीचे दिए गए शब्द दिए हैं, इनके आगे दिए गए शब्दों में से चुनकर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे ये उदाहरण है नभ, गगन और अंबर। सूर्य का क्या होगा? अब यहां से देखिए, जैसे सूर्य है ना, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहां अंबर लिखा हुआ, तो अंबर तो इसका हो गया, तो सूर्य का यहां पर सूरज, पहला शब्द क्या आएगा? सूरज। क्या आएगा? सूरज। फिर क्या आएगा दूसरा शब्द? दिनकर। क्या होगा? दिनकर। बोलिए तेज से, दिनकर। दिनकर। फूल, फूल का पर्यायवाची इसी में से ढूंढ के बताइए। कुसुम। कुसुम, वेरी गुड। पहला शब्द क्या होगा? कुसुम। कुसुम। दूसरा शब्द? पृथ्वी। फूल का पुष्प, पुष्प। क्या होगा? पुष्प। दो दो शब्द हैं, पृथ्वी का धरती। बोलिए।